नए पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने आज सतना पुलिस की कमान संभाली है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया एवं उन्होंने पत्रकारों से संवाद किया और बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता पुलिस और जनता के बीच में दूरी कम करना, पुलिस का डर अपराधियों में हो जनता में नहीं हो। उन्होंने बताया कि बेहतर पुलिस व्यवस्था बनाने के प्रयास किए जाएंगे। अपराधियों को पकड़ने के लिए नए प्लान के तहत उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद कार्यवाही की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपराधियों को यह भी संदेश दिया कि अपराधी या तो जिला छोड़ दें या फिर अपराध करना छोड़ दें। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता इसके पहले झाबुआ में पदस्थ थे। सतना में पदस्थ रहे पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव का खरगोन तबादला किया गया है। उनकी जगह पर आशुतोष गुप्ता पदस्थ किए गए हैं। सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। सतना पुलिस अधीक्षक का पदभार संभाला है, क्या चुनौती आप महसूस कर रहे हैं, कैसा कार्य कल रहेगा? सबसे पहले तो समस्त सतना जिला वासियों को मेरा नमस्कार। मैं आशुतोष गुप्ता हूँ, आपका नया पुलिस अधीक्षक। मेरी प्राथमिकताएँ रहेंगी कि हम लोग जो है मिल करके काम करें, पुलिस और जनता के बीच में अच्छा संवाद रहे, अपराधियों में पुलिस का डर हो जनता के बीच में डर ना हो, इसकी तरफ जो है हम लोग मिलकर के काम करेंगे, ये मेरी प्राथमिकता है। सर, पहली प्राथमिकता जैसे आपने कहा अपराधी, तो अपराधियों पर कंट्रोल करने के लिए किस तरह का आप प्लान तैयार करेंगे? हम लोग जो है चिन्हित करेंगे सभी अपराधियों को और फिर एक एक करके उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करेंगे।